ले आम आदमी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर, अध्यादेश पर कांग्रेस और आप में सुलह के संकेत मिल रहे हैं। सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट कर ये सुलह के संकेत दिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अध्यादेश का विरोध करने की घोषणा की। कांग्रेस का ऐलान एक सकारात्मक रुख है, ये राघव चड्ढा ने अपने ट्वीट में कहा है। यानी कहीं ना कहीं इसके भी आसार बढ़ गए हैं कि बेंगलुरु में बैठक में शामिल हो सकती है आम आदमी पार्टी। और आज शाम 4 बजे पीएसी की बैठक आम आदमी पार्टी ने बुलाई है, जिसमें मीटिंग में शामिल होना है या नहीं उसको लेकर आखिरी फैसला शाम 4 बजे की बैठक में लिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या आप और कांग्रेस में बात बन गई है? क्योंकि कल इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, उन्होंने संकेत दिए थे कि पार्टी प्रदेश में हर उस राजनीतिक दल के साथ है, उस चुनी हुई सरकार के साथ है जो संघीय ढांचे के विरुद्ध जो है लगी हुई है और केंद्र सरकार के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं। और उससे पहले देखिए क्या कुछ बयान सामने आया है महासचिव केसी वेणुगोपाल का, वो भी देख लीजिए। कल की मीटिंग में शामिल होगी आम आदमी पार्टी। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं हम अध्यादेश का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कल बैठक में शामिल होने वाली है, जहां तक है तो हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है, हम इसका समर्थन नहीं करने जा रहे हैं। और चलिए मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरुण सिन्हा, थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि आखिर आम आदमी पार्टी अब क्या करना चाह रही है। हालांकि शाम 4 बजे बैठक बुलाई गई है, लेकिन उनका रुख क्या हो सकता है? राघव चड्ढा का ट्वीट और साथ ही केसी वेणुगोपाल, जो उन्होंने भी बात कही है। देखिए, विपक्ष के एकता को बनाए रखना है तो ऐसे में इस मुद्दे पर बातचीत करना बेहद जरूरी था। और आपने देखा भी कि केसी वेणुगोपाल की बात जब सामने निकल के आई तो उसका तुरंत रिएक्शन राघव चड्ढा ने दिया कि ये सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। अब 4 बजे जो मीटिंग होगी उसमें पीएससी के मेंबर्स के साथ इस बात को रखा जाएगा कि अगर इस मीटिंग में पहला मुद्दा ऑर्डिनेंस रहता है जो दूसरी बैठक है तो ऐसे में क्या परिस्थिति बन सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या अलग से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बैठकर इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, और तीसरी बात क्या अब इस बातचीत का अब दायरा बढ़ चुका है, क्योंकि सीधे तौर पे कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट हो गया है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ऑर्डिनेंस को सपोर्ट करने वाली नहीं है, यानी आम आदमी पार्टी के साथ है। तो अब आप स्पष्ट समझिए कि विपक्ष की जो एकता की बात की जा रही थी उसमें एक कदम अब कांग्रेस ने आगे बढ़ाया और दूसरा कदम आम आदमी पार्टी को अब बढ़ाना है। निश्चित तौर पे सकारात्मक बिहेवियर सामने से निकल के आया है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से वही रुख देखने को मिलेगा। 4 बजे की मीटिंग के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर आम आदमी पार्टी दूसरी बैठक में शामिल होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, जहां तक सोर्सेस की माने तो अब तक सब चीजें सकारात्मक नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है कि पीएससी की मीटिंग के बाद ये तय हो जाए, ये फाइनल हो जाए कि आम आदमी पार्टी दूसरी बैठक में विपक्ष की शामिल होगी। जी अच्छा वरुण, केसी वेणुगोपाल ये भी साफ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बैठक में शामिल होने जा रही है, लेकिन यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि उन्हें संकेत मिले हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण सिन्हा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल देखिए, राघव चड्ढा का ये ट्वीट वो भी एक सकारात्मक संकेत ही दे रहा है, और केसी वेणुगोपाल उन्होंने भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस अध्यादेश का समर्थन नहीं करने जा रही है।